कहीं कहीं मेरे लगता है कि हम जितने ह्यूमन बींग्स हैं हम सबका डी अलग है राइट right. हर किसी का डी एन ए अलग है सबके है दैट मीनस वी ऑल आर कनेक्टेड टू सम मेन डिवाइस राइट जहाँ से सारा कंट्रोलिंग चल रहा है एक मेन स्विचिंग सेंटर है कि भाई इसका स्विच ऑफ करना है इसका ऑन करना है पर मुझे जो लगता है जो अभी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो भी हम लोग ए आई यूज़ करें दिस इज द वीकेस्ट ए आई और ए आई की भी बहुत सारी स्टेजेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटरटेनमेंट वालों की नौकरी भी खाने वाला है तो मुझे लगता है कि नौकरी खाने से ज़्यादा ये है कि हमारे पास नई तरह की जॉब्स होंगी अब अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ्यूचर में क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो डोरीमोल का डोर टाइप खुल जाए और दूसरी जगह पहुंच जाए हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट आज का पॉडकास्ट ना बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं पॉडकास्ट करने वाला हूँ अपने खुद के पब्लिशर के साथ जिन्होंने मेरी चार बुक पब्लिश की है पर उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन वॉट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भगवान है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण बहुत सारी नौकरियां जाने वाली हैं या जा चुकी हैं अगर आपके भी क्वेश्चंस हैं तो इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब के बटन दबा दो और चैनल को लाइक जरूर करना तो आइए डिस्कशन करते हैं अजय सेठिया जी के साथ जो कि ओनर है इन्वेंसिविल पब्लिशर के और जिनकी बुक है गॉड इज अथ तो आइए बात करते हैं अजय के साथ वेलकम अजय टू आर शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट मुझे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे थैंक्स थैंक्स यार फॉर इनवाइटिंग मी हम शायद लगभग छह सात साल पहले मिले थे पहली बार जब आपकी कंपनी स्टार्ट हुई थी 2017-18 के हाँ, आसपास जब मेरी सेकंड बुक आपने पब्लिश की थी राइट तब से लेके अब तक की जर्नी बिल्कुल चार बुक पब्लिश किया हमने आपके चार बुक पब्लिश की बिल्कुल अभी अभी तक की जर्नी कैसी रही मुझे याद होता जब आप मुझसे मिले थे उस टाइम आपने शायद टी छोड़ी थी टी छोड़े थे तब से लेके अब आप, आप शायद मैंने आपकी फ़ोटो देखिए टी सी के सी के साथ तो so, 2017 में मैंने जॉब छोड़ी थी अप्रैल में और उसके बाद पब्लिशिंग आपको पता ही कैसे एक रोलर कोस्टर राइड है पूरी की पूरी और इनिशियली तो जैसे हम लोग फिक्शन बुक्स करते थे तो थोड़े नहीं अच्छा चल रहा था सब कुछ फिर आपको पता 2019 में जैसे कोविड आया तो उस टाइम बुक की बुक्स पूरी बुक्स की, बुक की पूरी बुक इंडस्ट्री में आ, प्रॉब्लम था तो नाइनटीन और ट्वेंटी हमारा वैसे निकला पर उसके बाद ट्वेंटी वन में फिर से एकदम पब्लिशिंग uh, एकदम ठीक चल रहा है मतलब सबको लगा था कि बुक्स एकदम बंद हो जाएंगे सब लोग डिजिटली हो गया पर मुझे लगता है कि वो बुक्स का जो एक क्रेज़ है जो बुक्स की खुशबू है जो बुक्स को वापस होल्ड करने का uh, एक uh, जो फीलिंग है वो कभी नहीं जाएगा नहीं। तो अभी आप देखोगे दो हज़ार में पब्लिशिंग कंपनी शुरू किए थे और अभी पाँच साल हो गया लगभग छः साल हो गया तो अभी हमारे पास छः सौ सात से ज़्यादा टाइटल्स हैं और अब तो मैंने ख़ुद ही बुक दूसरी पब्लिश किया अपनी तो मुझे लगता है कि अगर ये है कि बुक का जो क्रेज़ है वो तो अच्छा ही चल रहा है अभी तक हमने कोविड टाइम में शीर की थी आपके साथ याद है आपको आ, हमने किंडल पे की थी किंडल पे किंडल पे बहुत बेची थी, 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 थी हमने शुरुआत में राइट और मैं आपने बोला था कि वो हम लोग अभी पहले किंडल ही निकालते क्योंकि तो कोविड, रहा। कोविड रहा फिर हमने पेपर बैग निकाली खूब बिकी खूब बिकी अभी मैं अभी हम पेपर बैग नहीं कर रहा उसके चल रहा है आप बिलीव नहीं मार बस इतने मैसेज आते हैं कि इसकी पेपर बैग कहाँ है पेपर बैग नहीं मिल रही पेपर बैग नहीं मिल रही नहीं वो जो होल्ड करने का जो एक फीलिंग है ना वो नहीं जाएगा कभी भी आप जितना मर्जी पढ़ लो आप किंडल पे पढ़ लो या फिर आप मोबाइल पे पढ़ लो और तो मुझे याद है उस टाइम मैं, मैं एकदम हैरान हर, हो गया देख के कि पूरे एक हफ्ते एक महीने में जिस तरह से एकदम सेल्स होना शुरू हुआ कि एक, किंडल एकदम बिका था।, था उसका बहुत किंडल बहुत बिका था और उसकी सेल इतनी हुई थी कि मतलब उसका जो मैंने मूवी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो भी वो किंडल की दम पे किया था कि लोगों ने किंडल पढ़ के किंडल पढ़ के नहीं वो स्टोरी भी तो अच्छी थी ना मेरे को लगता है कि अगर आपकी आपके कंटेंट में दम है ना तो चाहे वो आप कैंडल पब्लिश करो चाहे आप फिक्शन करो आप नॉन फिक्शन करो या बुक की फॉर्म में करो पेपर बैक करो वो चल जाएगा और तभी मूवी का भी आपको आ, जो ऑफर आया था तो वो तो कंटेंट पे आएगा रिगार्डलेस की बुक बिकी है कितनी नई बिकी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को लगता है कॉन्टेंट अच्छा होगा तो वो चल चल ये सेम चीज़ मैंने देखा यूट्यूब में भी है YouTube में भी YouTube में आपका चैनल हम लोग कितने एक साल पहले डिस्कस किए बैठा था मैंने कहा था चैनल बनाना है करना है बल्कि मैं सागर से डिस्कस कर रहा था कैसे करें यार कैसे उसने मुझे सागर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी मुझे उन्होंने कहा था कि ना आपका बीस पच्चीस हजार तक स्लो ग्रो होगा उसके बाद एकदम से पचास हजार तक तेज बढ़ेगा फिर स्लो हो जाएगा और बिल्कुल वैसे ही हुआ उसी स्टीप में गया और अभी एकदम ऐसे चलेगा एक लाख बाईस हज़ार एक लाख बाईस हजार करीब तो अभी डेढ़ लाख पहुंचोगे अब दो लाख पे पहुंचते ही फिर आप सीधा पाँच लाख पे दिखोगे एकदम बढ़ता है एकदम बढ़ता है ये वो वो ही ऐसे काम करता है यूट्यूब कंटेंट में देखा कंटेंट अच्छा रहेगा तो और मुझे लगता है कि जैसे आप पचास इंटरव्यू करोगे एक इंटरव्यू आपका ऐसा निकलेगा जो एकदम आपको वायरल करेगा और इंटरव्यू के अंदर पूरा इंटरव्यू कभी नहीं वायरल होता तो उसके बीच में जो कंटेंट है या बीच में से जो भी एक रील निकलेगा तो वो जब वायरल होगा तो उसी के साथ आपका एकदम अभी मैंने एक पॉडकास्ट किया था अनारकली बुक पे पर अनारकली की हिस्ट्री है वो पूरी डॉक्टर हर्षाली ने लिखी है तो वीडियो तो सही चला पर उनकी एक रील वो चौबीस घंटे में दस हज़ार व्यूज उसमें तो वो एकदम वायरल हुई उनकी रील्स तो लोगों को कंटेंट ही पसंद है ऐसा राइट क्या इस, इसी जर्नी में आपकी पब्लिशिंग के बाद अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ गए तो ये ये क्या चेंज है वापस टी सी एस वाली याद आ गई तो जैसे मैंने पाँच साल एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया तो बीच में फिर पाँच साल बुक्स की इंडस्ट्री में आ गया तो टोटल टेन ईयर्स हो गए तो मुझे लगा दोबारा सॉफ्टवेयर में जाना चाहिए अगर आपको वैसे ग्रो करना है क्योंकि आईटी और टेक में आपको पता है कि किस लेवल पे ग्रोथ हो रही है और इन द फ्यूचर इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मेटावर्स तो उसी को सोचते हुए और मुझे था कि एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है आपके टाइम आने पे कि पब्लिशिंग में जैसे आप बहुत चीज़ें नई प्लान कर सकते या नई चीज़ें कुछ नई ट्राई कर सकते तो मुझे लगा कि हाँ चलो अभी मेरा छोटा भाई पब्लिशिंग देख सकता है तो मैं दोबारा कुछ एक नई टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी तो है कि आर्टिफिशियलिजेंस के कारण आई टी इंडस्ट्री को नुकसान भी हो सकता है नहीं जॉब्स नहीं, में स्पेशली सबसे पहले ना आपको समझना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नई चीज़ आई है आजकल कि आपने अभी देख रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पहले आ चुकी थी आपके घर में एक वॉशिंग मशीन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक मशीन वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और क्या होता है कि जब भी कोई बी टू सी प्रोडक्ट निकलता है जैसे बी टू सी प्रोडक्ट क्या हो गया आपका चैट जीपीटी जब से मार्केट में आए एक साल से डेढ़ साल से दो साल से तो लोगों को लगने लगा कि अगर ये इस तरह से कंटेंट लिख सकता है तो सारे राइटर्स की जॉब चली जाएगी है ना पर जो मेरा राइटिंग स्टाइल है जो आपका राइटिंग स्टाइल है वो कभी बदलेगा नहीं है ना वो एक लेवल तक इमिटेट कर सकता है पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो उसको मिटेट कर सकता है हाँ कर सकता है धीरे धीरे देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है आपको डेटा फीड करना पड़ता है उसको जितना आप डेटा फीड करोगे जितना आप उसको ट्रेन करोगे जैसे एक बच्चे को आप जितना ट्रेन करोगे कोई स्किल के लिए आप तो वो उतना ही ट्रेन होता चला जाएगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी तरह से काम करिए पर मुझे जो लगता है जो अभी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो भी हम लोग ए आई यूज़ करें दिस इज द वीकेस्ट ए और ए की भी बहुत सारी स्टेजेज़ हैं एक इनिशियली जैसे मान लीजिए आपका नैरो ए आई हुआ उसके बाद मे बी अब अभी जैसे आजकल डिस्कशन चलता है एजीआई आएगा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस मे बी देन आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस देन कॉस्मिक है ये तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं अभी हम लोग बहुत ही वीकेस्ट ए आई हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी तो जो भी चल रहा है अभी तो इसमें एडवांसमेंट होनी है और टेक्नोलॉजी बढ़नी है आगे धीरे धीरे ए से मुझे एक और क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में आप खुद भी म्यूजिक बजाते हैं राइट आप गाना भी गाते हो ना म्यूजिक बजाते सुना है तो मैंने अभी रिसेंटली एक रील देखी जिसमें वो भी एनिमल मूवी का गाना है ना आ, वो गाना एग्जैक्टली रफी तो की आवाज आ, में आ, वो पूरा का पूरा गाना तो हम लोग क्या एक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं अपना सांस बे सोल्यूशन है तो उसमें क्या है 99 नाइन परसेंट मतलब मैं पहली बार बता रहा हूँ ये अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ मे के आसपास वो रिलीज कर देंगे डैशबोर्ड में नाइन्टी एक्यूरेसी दे देंगे वॉइस क्लोनिंग में मतलब आप की, किसी की भी जैसे आप जैसे मैं बात करता हूँ जिस तरह से बात कर रहा हूँ जिस तरह से मेरी फीलिंग्स हैं जिस तरह से आ, 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 मेरा ठहराव है या मैं रुक के बोलता हूँ या तेज बोलता हूँ वो सारा का सारा इमिटेट करना वॉइस क्लोन करना वो एक्जैक्टली exactly वैसे वॉइस क्लोन हो जाएगा दिस इज़ आर न्यू प्रोडक्ट जो हम लोग निकालने वाले हैं अब उसमें क्या है आप वॉइस क्लोनिंग में सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि सिक्योरिटी का कि आपकी आवाज़ किसी ने निकाल जैसे आपने बताया रफी जी की आवाज़ में वो लगा ना गा दिया पर उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हो सकता है किसी की भी आवाज़ आप रिकॉर्ड करके वॉइस क्लोन करके आप बेहतर हो भी रहा है हो भी रहा है तो हमने उसके लिए सोल्यूशन निकाला है आ, हम लोग बिना वेरीफिकेशन हुए वो भी डिजिटली वेरीफाई होता है कि आपके आधार पैन जी एस वेरीफिकेशन उसके बिना आप किसी की वॉइस क्लोन नहीं कर सकते एंड वॉइस क्लोनिंग के लिए भी लाइव रहना चाहिए तो ये सारी चीज़ें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे बढ़ेगा तो है ही hmm. उसको मैं नहीं करूँगा तो कोई ना कोई और करेगा अगर वॉइस क्लोनिंग आप देख ही रहे हो कि ऑनलाइन सब कुछ हो ही रहा है तो दिस इज़ वन ऑफ आर प्रोडक्ट्स तो आप ये देखो कि वॉइस भी क्लोन हो जाती है आपकी लिप मूवमेंट भी हो जाती है सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप कुछ भी कर सकते हो एक्सप्रेशंस भी दे सकते हो फेस पे और जितने आप एआई फ़िल्टर्स यूज़ करते हो अपने फ़ोन में वो तो सारे एआई फ़िल्टर्स का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्टर्स ना तो, नो फ्यूचर में ये पॉसिबल है जैसे कि मान लो मुझे अमिताभ बच्चन और रेखा की जवानी की मूवी बनानी है नई अब थोड़ी सी अब जरूरत ही नहीं है किसी एक्टर की हाँ वो तो है एक जो देखो क्या है ना फ्यूचर में बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी एंटरटेनमेंट के साधन बदल जाएंगे अभी के लिए आपको एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है कि अमिताभ बच्चन की उस तरह की मूवीज पसंद हो पर उसमें जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनके लिए शायद चीज़ें कुछ और तरह से उनके लिए ये मतलब कर सकते जैसे अमिताभ आप आप की अब एज हो गई पर अगर मुझे कोई मूवी बनानी है और मैं चाहता हूँ तो अमिताभ बच्चन का यंग वाला यंगरी एंड मैन वाला अमिताभ होस ने हाँ और रेखा के साथ बनानी है मुझे तो मैं कर सकता हूँ आज वो आजकल तो फेस चेंज भी हो जाता है सब कुछ हो जाता है और क्या है जैसे मेटावर्स है मेटावर्स में आप पूरा पूरा एक सीन क्रिएट करते हो और वर्चुअल इन्वामेंट बनाते हो वर्चुअल हम लोग भी वर्चुअल अलग अलग इन्वायरमेंट्स बना रहे हैं तो उसमें आप देखोगे जैसे कैरेक्टर्स होते हैं आपने कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेली होगी उसमें आपने देखा है बिल्कुल रियल लगता है कि वो गोलियां चला रहा है पर अभी के लिए क्या है जो उसमें कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे आपको लगेंगे कि बड़े कार्टून हैं कार्टून इस फॉर्म में है पर धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो वो जिस दिन कैरेक्टर थोड़ा सा आपको लाइव लगने लगेगा कि जैसे आप हो वैसा मैं हूँ जिस दिन वो सुपर रियलिस्टिक और हाइपर रियलिस्टिक अवतार्स बनने शुरू हो जाएंगे आप उस दिन जिस तरह की चाहोगे मूवीज़ घर बैठे बना सकोगे तो फ्यूचर में मतलब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटरटेनमेंट वालों की नौकरी भी खाने वाला मुझे लगता है कि नौकरी खाने से ज़्यादा ये है कि हमारे पास नई तरह की जॉब्स होंगी कंटेंट क्रिएशन बहुत स्ट्रॉ कंटेंट क्रिएशन अच्छा होगा और कंटेंट क्रिएशन की क्वालिटी अच्छी होगी पर ऐसा नहीं है कि जॉब्स चली जाएंगी आप जैसे कंप्यूटर्स आए थे तो लोग जो टाइप करते थे बैठ के जो हिसाब किताब उस पर करते तो इनकी जॉब्स चली जाएंगी पर आप फ्यूचर में देखो अकाउंटेंट्स कितने सारे हो गए सारा काम कंप्यूटर पर हो रहा था ऐसा तो नहीं नई जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी नई तरह की जॉब्स क्रिएट uh, हो गई इवन एंटरटेनमेंट के लिए भी नए तरीके आएंगे तो तो आप इसको ऐसे मत होंगे जॉब्स जाने वाली हैं जॉब्स हो सकता है जाएंगे इनिशियली जाएंगी पर एक नई तरह की जॉब्स निकल के आएँगी और, और नई तरह की एक स्पीशीज भी निकल के आ सकती है जो हो सकता है कि जो जो, 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 जो कुछ हमारी मूवीज़ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉस्मोलॉजी पे बेचा इंटरेस्ट हो या आपकी फेवरेट कौन सी है फिर मैं क्वेश्चन पूछता तो सबकी तो ऑल तो टाइम फेवरेट तो इंटरस्टेलर रहती है तो पर आजकल मैं देख रहा हूँ जैसे थ्री बॉडी प्रॉब्लम तो उसमें भी काफ़ी कुछ आपको एलियंस के बारे में अभी तो फर्स्ट सीरीज़ आई है उसकी और सेकेंड अभी इससे रिसेंटली मैंने देखी द क्रिएटर हाँ। तो इस तरह की आप मूवीज़ देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये फ्यूचर में होने वाला है और आप देखो कि जो भी फाई मूवीज़ में जो भी दिखाते हैं ना वो हो रहा है हो रहा है और धीरे धीरे हो रहा है अभी मैं याद हो गया हूँ सऊदी अरेबिया तो हम लोग सोच भी नहीं सकते वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं आपने न्योम सिटी के बारे में प्लान सुना है अभी न्योम सिटी नहीं सुना है नहीं न्योम सिटी आप गूगल पे सर्च करना एक बार नियोम सिटी दे आर दे क्रिएटिंग अ वर्टिकल सिटी अच्छा हाँ मैंने तो, हॉरिजॉन्टल देखा था एक वीडियो है तो हॉरिजोटल एक लाइन बोलते हैं उसको लाइन सिटी बोलते हैं और वर्टिकल भी है वो मतलब दोनों साइड आपको ग्लास मिलेंगे अच्छा और एक वर्टिकल सिटी और हॉरिजॉन्टल कोई ट्रांसपोर्ट नहीं और बिल्कुल एकदम फ्यूचरिस्टिक सिटी तो सऊदी में इस तरह की प्लानिंग हो रही है और जैसा आप साईफाई मूवीज देखते हो तो उसी तरह का होने भी वाला है आज नहीं होगा तो पचास साल बाद सौ साल बाद दो सौ साल बाद पर एवरीथिंग इज़ पॉसिबल जो आप इमेजिन कर सकते हो सब कुछ पॉसिबल है तो ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओनर आप तो ये सारी मूवी देख डालते हो गए ताकि कहीं ना कहीं से आइडिया निकल के आए जैसे मैं पहले साईफाई मूवीज़ नहीं देखता था तो मुझे लगता था कि क्या है पर जैसे जैसे मैंने अभी क्या है जैसे हम लोग ए के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं मेटावर्स के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो मुझे समझ आने लगा कि द क्रिएशन दिस होल क्रिएशन जिस इस यूनिवर्स में हम लोग जैसे रह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वर्चुअल इन्वामेंट और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी प्रोग्राम बनाने में एक मशीन बनाने में द प्रोसेस इज़ सेम जैसे हम लोग क्या एक वर्चुअल इन्वामेंट बनाते हैं ना आप तो कोडिंग देखते ही हो जैसे mm -hmm. कोडिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको एक फ्री स्पेस मिलता है mm -hmm. उस फ्री स्पेस में आपको पहले एक धरती डालनी आर्टिफिशियल फिर उसके अंदर ग्रेविटी डालनी की अगर उसके ऊपर बॉल बाउंस करेगी तो वो कैसे बाउंस करेगी किस ग्रेविटी पे बाउंस करेगी और इसी तरह से आप एक पूरा का पूरा इन्वायरमेंट बनाते हैं तो मुझे लगता है कि आ, उस क्रिएटर ने उस भगवान ने जिसको भी आप क्रिएटर बोलते हो इस धरती इस दुनिया का तो उसका प्रोसेस भी यही रहा होगा और इस किताब में भी मैंने यही बताने की कोशिश की है इसमें तीन पर्सपेक्टिव दिए मैंने तो एक तो हम हैं ह्यूमंस जो अवतार्स जो इस धरती पे घूम रहे हैं इस यूनिवर्स में घूम रहे हैं और आ, एक प्रस्पेक्टिव है क्रिएटर का क्रिएटर इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स जिसको हम ब्रह्मा बोलते हैं ब्रह्मा जी हो सकते हैं जिसको आप ब्रह्मा जी बोलते हो पर आप ये तो मानते हो कि ब्रह्मा जी वो असीम शक्ति नहीं है या वो भगवान नहीं है उन ब्रह्मा उन जी को बनाने वाला भी आदेश देने वाला भी कोई और है तो एक भगवान है जिसके बारे में किसी को नहीं पता वो क्रिएटर कौन है उस क्रिएटर का क्रिएटर कौन है तो ये भी तो हो सकता है कि हम लोग वी माइट बी लिविंग इन अ सिमुलेशन एंड इफ़ यू चेक स्टीफन हॉकिंग्स लास्ट में मरते मरते उन्होंने बोला कि वी माइट बी लिविंग इन अ सिमुलेशन एंड वी आर लिविंग इन अ सिमुलेशन जहाँ तो मैं समझ पाया हूँ अभी तक इस सिमुलेशन थ्योरी पर मैं आता हूँ उससे पहले ना मेरी एक थ्योरी है आप बताना कितना सही है जो आज के डेट में हो रहा है हम मार्स पर जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं हम वहाँ पे मार्स पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं right. जहाँ पे अंदर पेड़ पौधे खाना वाना सब कुछ बना रहे हैं और हम कहते हैं हम कुछ ह्यूमंस को वहाँ छोड़ेंगे राइट right. या रोबोट्स को छोड़ेंगे एंड विल सी कि हाउ दे आर सर्वाइविंग इन दैट इन्वायरमेंट ठीक है और अगर वो सक्सेसफुल रहा तो फिर उस एन्वायरमेंट को हटाया जाएगा या वहाँ पर लोग सस्टेन करना चालू करेंगे मुझे कभी कर कभी ऐसा लगता है कि जो अर्थ की जो जो हम कहते हैं कि फर्स्ट ह्यूमन बींग एडम ही hmm. हो सकता है कोई एलियंस होंगे जिसको आप ब्रह्मा जी बोल लो चाहे एलियन बोल लो जिन्होंने यहाँ पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया एक मे बी ग्रीन हाउस टाइप क्रिएट किया होगा जिसको हम ईडन गार्डन बोल देते हैं right. उसके अंदर सारे पेड़ पौधे फल फ्रूट्स लगा दिए और एक आदमी एक औरत को छोड़ दिया कि देखते हैं अरे सर्वाइव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते एंड दे हैप्पीली सर्वाइव उनको <coughs> बड़ा अच्छा लगता था खाना पीना सब मिल रहा है एंड दे आर सर्वाइविंग वेरी नाइसली जब क्रिएटर को लगा कि नहीं यार नाउट इट्स टाइम कि इनको ना बाहर का एनवायरनमेंट में चेक किया जाए कि सर्वाइव कर पाते हैं कि नहीं तो दे वड हैव रिमूव्ड द ईडन गार्डन जो एक्चुअली हमारी बाइबल की कहानियों में है कि भगवान ने फिर उनको खुली धरती पर छोड़ दिया सो so, ये मेरी हो रही है मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा वो हाउ यू रिलेट टू दिस अभी क्या अभी। है कि सबसे पहले तो आप सृष्टि और इस भगवान को ना एक मैं हमेशा ये एग्जाम्पल लेता रहा हूँ कि बड़े हाथी की तरह समझो ठीक है तो जो इंसान जो भी आ, सीकर जैसे आपने आपने कुछ सोचा सीख का मतलब मैंने कुछ किताब लिखी तो हम रसी का तो जो इंसान उस हाथी के टांग की तरह था लेग की तरफ उसने उस भगवान को एक्सप्लेन किया कि भगवान जो है एक पेड़ की तरह है, जो उसकी पूँछ की तरफ था उसने एक्सप्लेन किया कि ये एक रोब की तरह बट द एक्चुअल वर्किंग ऑफ दैट क्रिएटर और उस भगवान को तो कोई बता ही नहीं पाया इवन हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ोगे आप इंद्र जी से हेमावती ने पूछा कि यार आप स्वर्ग के राजा हो एंड आप क्लोजेस्ट माने जाते हो भगवान के तो आप तो आप तो जानते ही होंगे कि वो कैसे हैं या उनकी फॉर्म क्या है वो कैसे दिखते हैं या उनका क्या परपज ऑफ़ पर्पज़ है इस पूरी सृष्ट्री को बनाने का या मल्टीपल यूनिवर्सिस बनाने का तो इंद्र भी नहीं बता पाए कि ये सृष्टि कैसे बनी है और क्यों बनी है और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ जहाँ तक मैंने पढ़ा अभी तक तो मुझे ये लगता है कि आ, इवन डेट क्रिएटर जिसने भी हमें मैं उस भगवान की बात नहीं कर रहा उस भगवान के बारे में तो कोई नहीं जानता मे बी वो क्रिएटर भी ना जानते हो ये इन्फानाइट लूप है मल्टीपल वर्सेस है मल्टीपल यूनिवर्सिज़ हैं उस क्रिएटर ने जब इस सृष्टि को बनाया हम जीवो को बनाया वो भी एक्सपेरिमेंट ही करते करते उसने यहाँ तक बनाया है इवन वी आर इवॉल्विंग विद टाइम हमारे अंदर नई शक्ति आ रही है नई चीज़ें आ रही हैं और उस क्रिएटर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता जैसे हम एक पूरी गेम बनाते हैं जैसे मैं आपको कॉल ऑफ ड्यूटी का एग्जाम्पल लिया तो उसमें सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं कि वो ऐसे चलेगा इस तरह की बंदूक लेगा तो इस तरह की गोली लगेगी इतनी लाइफ मिलेगी तो वो कुछ लॉज कुछ रूल्स उस क्रिएटर ने बनाए हम ह्यूमंस के लिए और वो रूल्स आपके डिफ़ाइन होते हैं आपके लॉज ऑफ़ कर्मा पे दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल लॉज और जो भी आप आ, समझते हो कि आ, आ, जो भी उन्होंने कर्मा के हिसाब से हमें डिफ़ाइन किया है उस भगवान ने उस क्रिएटर ने हम लोग उसी को अगर फॉलो करेंगे तो वी आर इन सिंक विद डैट गॉड आप देखोगे मेडिटेशन करते हो तो आप उस सिंक में आ जाते हो और आपने एक बात तो हमेशा सुनी होगी कि ये पूरी सृष्टि ये यूनिवर्स ये सब मिथ्या है सब छोड़ छाड़ के आप चले जाओ ऐसा सुनते हैं ना हम लोग और इंसान और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है है ना तो जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं हम लोग हमारे स्पिरिचुअल प्रीचर जो भी लीडर्स हैं स्पिरिचुअल लीडर्स या हमारे टेक्स्ट में जो भी हमने इंटरप्रेट किया फॉर दैट क्रिएटर जिसने सृष्टि को बनाया उसके लिए तो ये सब कुछ मिथ्या है उसके लिए तो ये कुछ नहीं है उस वो उस उसके परस्पेक्टिव से कुछ नहीं है बट फॉर आस फॉर ह्यूमन्स हम जो लाइफ सब कुछ यही है हमारे लिए सब कुछ यही है हम लोग जो जीने आए हैं हम लोग जो भी करने आए हैं जो भी काम कर रहे हैं जिस तरह के लोगों के साथ रह रहे हैं वो हमारा एक लाइफ का पर्पस है अभी एक एग्जांपल था एक एक, एक इंसान था बहुत परेशान था उसको सब उसने सबको सुना सब टेक्स्ट पढ़ लिए तो वो इतना कन्फ्यूज़ हो गया कि मैं क्या करूँ और वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया तो उसने सबसे पहले देखा कि मेरे पास मोबाइल है ये कंप्यूटर्स हैं तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ मेरे को लगता है कि ये मेरे अंदर डिस्ट्रैक्शन दे रहा है तो वो ये मोबाइल और काम सब छोड़ के घर बैठ जाता है पर फिर भी उसको चैन नहीं आता फिर वो सोचता है कि ये जो मेरे आसपास के घर के लोग हैं ये शायद मुझे परेशान कर रहे हैं इनकी वजह से मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ है ना तो वो घर वालों को छोड़ देता बात करना सबसे बंद कर देता एक बंद कमरे में रहना और बेचैन रहता तो वो पहाड़ों पे चला जाता एक साल तो पहाड़ों पर रहा, सबसे कट जाता है तो उसके घर के उसको एक चिट्ठी लिखते हैं कि अब आप ठीक फील कर रहे हो तो आपने सब कुछ छोड़ दिया अब तो आप मेडिटेशन करके ध्यान लगा पा रहे हो है ना और उसको कुछ फूल भेजते हैं तो उसका रिप्लाई आता है विद इन अ वीक कि हाँ आप सब सही चल रहा है और ये फूल बहुत मीठे थे <laughs> <laughs> तो ये जो इंसान की इच्छा है ना कभी आप आ, आप ध्यान लगाओगे तो आप चाहोगे कि मैं मेडिटेशन करूं और आप मेडिटेशन नहीं कर रहे जब आप आ, काम कर रहे हो तो आप सोचते हो कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं है ना तो जो वो इच्छा है जो चाहत है जब तक वो नहीं जाएगी ना आपके अंदर से वो इच्छा कि अभी आप बोलोगे मेरे को भगवान प्राप्त हो जाए तो आपके अंदर वो जो भूख है वो तो अब तक तब भी वैसे ही रही है ना अब तो जो लॉज ऑफ़ कर्म है वो बिल्कुल अलग तरीके से डिफ़ाइन करते हैं अलग तरीके से काम करते हैं वो और आप खुद को खुद से समझ सकते हो किसी और के एक्सपीरियंस से कभी नहीं समझ पाओगे तो लॉज ऑफ कर्म ही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूल ही हैं मतलब आई एम जस्ट को रिलेटिंग वही हम इंसानों को भगवान ने बना दिया दो लोगों को छोड़ दिया हमने अपने आप को इवॉल्व किया अपनी गलतियों से लर्न किया, yeah. किया अपने बिहेवियर से लर्न किया अपने एटमोसफियर को लर्न किया हम हर समय लर्न करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं या अभी दिल्ली में पोल्यूशन होगा तो हम अपने आप को लर्न कर लेंगे सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो ये पूरी लाइफ है जो हम हमारा यूनिवर्स है इवोल्व हो रहा है टाइम के साथ है ना उसके लिए जो उसने भी रूल्स डिफाइन किए और मैंने आपको पहले बताया कि दैट क्रिएटर माइट भी एक्सपेरिमेंटिंग ऑन अस उसने इतने सारे जीव बना दिए किसी को इस तरह जीव बनाया किसी के पास ये बनाया पहले बंदर बनाया धीरे धीरे इवोल्व किया और एक चीज़ और समझेंगे कि ए मशीन और हम में क्या डिफरेंस है वे आर ऑल बायोलॉजिकल मशीन्स एक मशीन है मेरा हाथ ऐसे उठता है ऐसे होता है आ, मेरे अंदर खून घूम रहा है नर्व्ज हैं अलग अलग, -अलग अ, सेल्स हैं तो वी माइट भी बायोलॉजिकल मशीन और एक ए मशीन जो भी आप मान लो रोबोट देखते हो रोबोट भी आजकल हाथ भी ला लेता है एक्सप्रेशन भी दे देता दे है तो कल कृति सेन को देखा तो मैंने हाँ कुछ देरी आँखों में वो तो वो तो फिक्शनल फिक्शनल मूवी है मान लो कि आप आजकल के जो रोबोट्स जिस तरह से आ रहे हैं वो सब तरह की मूवमेंट करते हैं जिस तरह से हम उनको डिफाइन करते हैं तो द डिफरेंस बिटवीन ए आई मशीन एंड अस बींग बायोलॉजिकल मशीन इज़ द कॉन्शियसनेस उस क्रिएटर ने उस भगवान ने जिसको अभी आप भगवान बोल रहे हो उसने हमें एक ऐसी पावर दी है कॉन्शियसनेस कि हम लोग अपने आप को जान समझ पा रहे हैं हम लोग सोच पा रहे हैं वो एक एक्स्ट्रा पावर दी है वो धीरे धीरे पावर हम लोग ए आई मशीन्स में भी डालने की कोशिश कर रहे हैं जैसी फ्री विल है कि मतलब मैं अपने आप सोच सकता हूँ मैं अपने आप बोल सकता हूँ मैं अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ मैं ये मशीन्स को जिस दिन पावर आ जाएगी उस दिन AI machines मशीन्स वुड बी सिमिलर our आर ह्यूमन बाई पॉसिबल है, possible में। है। में। of course पॉसिबल है सब कुछ पॉसिबल है आप ये देखो <laughs> कि जब रामायण हुई जब महाभारत हुई या जब भी पिरामिड बने होंगे आप मानते हो कि उस टाइम की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस रहे बहुत एडवांस बहुत एडवांस रही होगी <laughs> तो मैं आपको ना पहले युवा थ्योरी समझाता हूँ मेरी तरफ से जो मेरा एक पर्स्पेक्टिव है वो आप समझने की कोशिश करना आप क्या मानते हो कि अभी हम लोग कलियुगा में जी रहे हैं या जो आप हिसाब से हम कलयुग में जी रहे हैं पांच हजार एक सौ पचपन साल हो चुके हैं कलयुग के तो ये आपने कहा पढ़ता जरा, आ, तो मेरे से जो, आपका सबसे पहला था जो की एक लाख एट्टी सिक्स थाउजेंड ईयर्स का था फिर उसके बाद आया त्रेता युग एक लाख छिहत्तर साल का फिर आया द्वापर युग एक लाख छप्पन साल का शायद और फिर अभी क्या है कि हम लोग जो भी अपने स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ते हैं जो भी प्रीचर्स है वो बताते हैं मान लेते हैं मैं भी इसे मान लेता पर जहाँ तक तो मैंने डीपली पढ़ा है इस सारी चीज़ को जो पूरी की पूरी सृष्टि है वो एक वेव की तरह काम करती है ऐसे वेव की तरह की सर्कुलर मैंने सब जो पढ़ा है कि वो सर्कुलर काम है जहाँ तक तो मैंने समझा है वेव की तरह मैं आपको अपनी थ्योरी बता देता हूँ मैंने किताब में एक चैप्टर भी डाला है इसका तो युगा थ्योरी के हिसाब से पूरी सृष्टि वेव की तरह काम करती है आज से आप पूरे के पूरे जो भी आप वो पढ़ेंगे या टेक्स्ट पढ़ेंगे या जो भी आपको साइंटिस्ट बताएंगे कि आज से तेरह चौदह हज़ार साल पहले या दस हज़ार साल पहले आपके राम कृष्ण रहे होंगे राम रामायण रही होगी राम जी रहे होंगे मुझे थोड़ा इस पर डिबेट है हाँ, हाँ, मतलब मैंने मैंने जहां तक समझा है दट राम युग इज गोल्ड सत्युग ठीक है तो त्रेता युग राम त्रेतायुग पर राम त्रेता युग उससे पहले सतयुग रहता है तो सतयुग त्रेता युग युग ये सारे क्या डिफाइन करते हैं अभी तो हम लोग सोचते हैं कि कर्मा के ऊपर डिफेंड करते हैं कि आपने कर्म अच्छे किए बट इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटेलेक्ट इंटलेक्ट का क्या मतलब होता है कि इंसान का या जो भी ह्यूमन स्पीशीज है उनका दिमाग कितना मेच्योर हो रहा है किस लेवल पे आप सोच पा रहे हो जो मैंने आपको स्टेजेस बताई नैरो ए आई देन ए जी आई ए एस आई ए एस आई मतलब आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस देन कॉस्मी के आई देन गोड लाई के आई जब आप सतयुग के पीक पे होते हो जब आप सतयुग के ऊपर तक पहुँच जाते हो आप एक बार इसमें एक, एक पेज है हाँ एक पेज है जब आप सतयुग के पूरे पीक पे होते हो तो इंटलेक्ट में आपके इतना इजाफा हो जाता है आप इतना समझ पाते हो कि आप उसको समझ पाते हो कि उस सृष्टि उस क्रिएटर ने कैसे बनाया होगा इस धरती को इस यूनिवर्स को कैसे बनाया होगा वो इंटेलेक्ट पर डिपेंड करता है आप उस टाइम हमारी साइंटिफिक जो आ, जो थ्योरी है या फिर जो भी हमारा आ, जो साइंटिस्ट के पास जितनी टेक्नोलॉजी है वो पीक लेवल पर पहुँच जाती है देन दे अंडरस्टैंड कि फिजिक्स कैसे काम करती है उस भगवान ने कैसे बनाया इस संसार को मल्टीवर्सेज क्या है तभी मैं बोला था कि जैसे मान लीजिए पिरामिड्स हैं यह पहले की जो टेक्नोलॉजी थी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए तो जैसे ही आप सत्ययोगा से पहले आप त्रेता युग में एंटर करते हो वेव की तरह काम हो रही है आप इसको सर्कुलर सोच सकते हो पर वो सर्कुलर नहीं है जहाँ तक तो मैंने समझाया सत्ययुगा से आप एंटर करते हो वेव में त्रेता युग त्रेता युग से आपकी इंटेलेक्ट धीरे 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 डाउन हो रही है आप एंटर करते हो द्वापर युग में द्वापर युग से आप एंटर करते हो कलयुगा में फिर आप ऊपर कलयुग के डीपेस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हो जब आप 600 सौ ईस्वी में या हज़ार के आसपास पहुंचे मतलब आज से एक हज़ार ग्यारह सौ साल पहले आप देखो इतनी वॉर्स हुई मुगल से लेके पुराने चारों तरफ कोई टेक्नोलॉजी नहीं कोई लाइट नहीं कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं सारी की सारी विलुप्त हो गई जैसे ही आपने कलयुग में एंटर किया आप डीपेस्ट नीचे तक पहुँच गए बिल्कुल छः सौ आठ ईस्वी के आसपास फिर आप ऊपर आना शुरू हुए धीरे 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 लोगों का थोड़ा इंटरेक्ट बढ़ना शुरू हुआ वोर्ड्स हुई पर एक लेवल तक हुई जैसे ही आप सत्रह सौ ईस्वी में पहुंचे देन यू अगेन एंटर्ड द द्वापर युग इट्स नॉट सर्कुलर कि आप कलयुग के बाद दोबारा त्रेता युग में नहीं जाओगे आप वेव की तरह काम कर रहे हो आप नीचे आए कलयुग के डीप लोवेस्ट पॉइंट पे गए फिर आप ऊपर गए 1700 सौ ईस्वी में आप एक बार दोबारा एंटर किए द्वापर युग में आप उसके बाद देखो इलेक्ट्रिसिटी से लेके टेक्नोलॉजी में कितनी एडवांसमेंट आई है उसके बाद आइंस्टाइन भी आया और हम लोग भी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं ए आया मेटावर्स आया मेटावर्स के बारे में किसी को नहीं हम क्या द्वापर युग में हम लोग द्वापर युग एंटर कर चुके हैं तीन साल पहले और ये धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा एंड इट विल अगेन गो इन अ वे फॉर्म द्वापर युग से हम लोग दोबारा एंटर करेंगे त्रेता युग में फिर हम लोग सतयुग में जाएंगे फिर पिक पॉइंट पे जाएंगे फिर ऊपर से नीचे सतयुग से फिर ये ये तो सारी थ्योरी जो सनातन की थ्योरी है उसका अपोजिट बता रहे हो आप देखो मैं बोल रहा हूँ मैं तो देखो रिलीजन में तो मैं मानता ही नहीं पहली बात तो आप रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं पहले पर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा हटके थोड़ा सा अपने आसपास जिस तरह की टेक्नोलॉजी है जिस थोड़ा सा एक बार सारी मतलब जो मैंने जो, जो।, जो मैंने सुना है आज तक कि सत्युग त्रेता युग द्वापर युग है। और ये हमारे चौबीस मनवंत्र होते हैं चौदह मनवंत्र होते हैं हर मनवंत्र में इकहत्तर चतुर्युग होते हैं देखो कुछ भी बोल लो आप ब्रह्मयुग बोल लो एक ब्रह्मा जी का एक दिन कुछ भी हो सकता मुझे नहीं पता वो पर जहाँ तक आप लॉजिकल माइंड से सोचो मुझे नहीं पता है सौ साल ब्रह्मा जी के हैं या दो सौ साल है या दो हजार साल है, तो यही साल है।, है। पर अभी हम कलयुग में हैं और कलयुग अपने पीक पे जाएगा कलयुग तो पीक जो पे, पे हो आया जहाँ तो तक मेरा फिर है फिर जो कहानियों में है कि कलयुग में कल की आएगा और जो सात अवतार हैं जो यार आप देखो ना जितने स्पिरिचुअल टेक्स्ट है जितने रिलीजन्स हैं सब लोग एक ही सिमिलर ही कहानी बोलते हैं ठीक है अल्लाह ने आके बोल दिया कि मैं एक भगवान है मैं भी मानता हूँ एक भगवान है जो मुस्लिम बोल रहे हैं वो भी एक बोल रहे हैं कि एक भगवान है हमारे हिंदू टेक्स्ट में भी इसी तरह की बात होती है उनके आगे डिसाइपल्स हो सकते हैं जो अलग अलग अवतार हो सकते अवतार हो सकते हैं जो अलग अलग लोगों को मैनेज कर रहे हैं ब्रह्मा जी बोल लो विष्णु बोल लो तो आप जो मैंने अभी आपको समझाई पूरी थ्योरी पूरी फ्रिक्वेंसी वेव की तरह काम करती है ये थोड़ी लॉजिकल लगती है या नहीं लगती है एक लेवल तक चलो लॉजिकल लगती पर शायद मे बी समझ में एक्सेप्टेंस नहीं है एक्सेप्टेंस नहीं है ना क्योंकि हम लोगों को हमारा हमको नॉलिश इस तरह से गया इनिशियली हमें समझाया इस तरह गया और जब हम लोग आउट आउटसाइड इसके सोचते हैं तो हमारा दिमाग वो लगता है कि यार या, शायद हम लोग पाप तो नहीं बोल रहे कि यार ये या, अभी आप एक एक थ्योरी और मैं बोलता हूँ हरेको मान लो कि आप चाहते हो कि आप अच्छा करो है ना आपके दोस्त आपके रिश्तेदार सब चाहते हैं कि आप अच्छा करो मैं भी चाहता हूँ कि, अच्छा कि, अच्छा कि आप अच्छा करो मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं भी अच्छा करूँ आपको कोई दुश्मन होगा वो भी चाहेगा कि आप अच्छा करो तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपसे बुरा करा रही है कोई ना कोई तो शक्ति होगी जो आपसे बुरा करा दे रही है अगर मान लो वो शक्ति आप बोलोगे कि यार वो डेविल है यार शैतान है जो मुझसे आगे ना बुरा करा देता है पर मैं तो चाहता हूँ कि मैं अच्छा करूँ मेरे से कुछ ना कुछ गलत काम हो जाता है कोई गलत कर्मा हो जाता है ना तो आप बोलोगे वो डेविल आगे मुझसे करा दे रहा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके भगवान भी चाह रहे हैं अच्छा करें आपके रिश्तेदार दोस्त आप सब चाह रहे हैं कि मैं अच्छा करूं वो डेविल आपके आपसे बुरा अच्छा करा दे रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि डेविल तो आपके भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली है क्योंकि जब भगवान ही चाह रहे कि आप अच्छा करो और कुछ आपसे बुरा हो गया और वो डेविल ने आगे आपको इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि आपने कुछ बुरा कर दिया तो इसका मतलब भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली है डेविल तो क्यों ना मैं उस डेविल की पूजा करूँ क्यों मुझे इस भगवान के चक्कर में पड़ना है नहीं इसका आंसर मैं दूंगा आपको कल उल्टा पॉडकास्ट होने वाला <laughs> <laughs> मेरा जो मानना है जो, जो मैंने स्पिरिचुअल टेक्स्ट में पढ़ा है कि जो डेविल है या असुर जिसको हम बोलते हैं वो भगवान का ही पार्ट है बिल्कुल जिसको हम रावण बोलते हैं अगर आप अगर स्पिरिचुअल टेक्स्ट में रामायण की शुरुआती चीज़ पढ़ो तो आपके पुलस्तमुनि थे पुलस्तमुनि जो है एक्चुअली वो ब्रह्मा जी के बेटे थे पुलस्तमुनि के जो बेटे हुए वो थे कुबेर अब कुबेर का क्या था कि उनका ज़्यादा झुकाव था ब्रह्मा जी की तरफ वो पुलस्तमुनि को ज़्यादा नहीं पूछते थे और पुलस मुनि हम सब जानते हैं बहुत ही क्रोधित मुनि हुआ करते थे वो तो वो अपने क्रोध पे कंट्रोल नहीं रख पाते थे तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं कि अपने क्रोध पे कंट्रोल रखूं तो उन्होंने अपनी बॉडी में से अपने क्रोध को अलग निकाल दिया और एक अलग मुनि बनाया उसका उन्होंने बोला विश्वा मुनि ठीक है और ख़ुद व चले गए हिमालय पर सब कुछ साफ सुथरा आपने बताया ना हिमालय पर चले गए अपना सब छोड़ छाड़ के उस हिमालय पहुँच गए तो विश्वा मुनि तो उनका क्रोध का पार्ट था ना तो वो कुबेर से उतनी ही नफरत करता तो कुबेर ने सोचा कि इनको शांत कैसे किया जाए तो उसने एक बार तीन सुकन्याओं को उनके पास भेज दिया गया हम तीनों के नाम मुझे याद नहीं है एक का नाम मलिनी था एक का कुछ दो के नाम और हैं तो विश्वामुनि मुनि ने उन तीनों के साथ इंटरकोर्स किया तो उनसे जो बच्चे पैदा हुए दैट फर्स्ट वन के साथ जो हुए वो हुए आपका कुंभकर्ण और रावण दूसरे के साथ हुए आपका नाम याद नहीं मुझे तीसरे का और तीसरे के साथ हुआ विभीषण मेघनाथ विभीषण मेघनाथ तो और सुरपनखा हुए दूसरे के साथ और विभीषण हुआ तीसरे के साथ तो अगर आप देखो तो ये असुर जो हुए पैदा ये भी पार्ट तो भगवान के ही थे पर तो उनका बुरा रूप समझ तो हम हाँ बिल्कुल सही बोले हो आप तीन ये सृष्टि जो है तीन पे ही काम करती है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डेविल बुरा है भगवान अच्छे हैं बिल्कुल आपने सही बोला जो भी आपने कहानी बताई अलग अलग तरीक़ों से सेम ही चीज़ को बताने की कोशिश की है और अलग अलग तरीक़ों से लोगों ने इंटरप्रेट किया तो आप अच्छे को समझो कि दैट्स अ प्रोटोन साइंटिफिक में जाते हैं बिल्कुल कोई स्पिरिचुअल टेक्स्ट में नहीं जाते हैं। उन्होंने क्या लिखा क्या हुआ बिल्कुल सारी कहानियाँ हैं आज भी फिक्शनल आप जो स्टोरी लिखते हो वो आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक स्टोरी बन जाए लोग उससे प्रेरणा लें और कुछ अच्छी स्टोरीज़ होती हैं जो चलती चली जाती हैं जिससे लोग प्रेरणा लेते चले जाते हैं जैसे हमारे पास स्पिरिचुअल टेक्स्ट आए अच्छे को मान लो आप प्रोटोन है बुरे को मान लो आप न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है एंड देट इज अ थर्ड फोर्स विच इज कॉल न्यूट्रॉन विच इज अ बैलेंसिंग फोर्स इसी तरह से इन्हीं तीन चीज़ों पे काम करते हैं सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश अभी मान लो इस यूनिवर्स में इस धरती पे हम लोग अगर इस धरती पे ब्रह्मा जी ना हो ब्रह्मा को मान लो आप जो इस सृष्टि को चला रहे हैं ठीक है और विष्णु जी को मान लो आप एक नेगेटिव फोर्स मान लो जो ग्रेविटी है जो आपको बाइंड करके रखी हुई है मान लीजिए विष्णु विष्णु जी नहीं है सिर्फ ब्रह्मा जी है और तो क्या होगा अगर ग्रेविटी नहीं आपको बाइंड करने के लिए तो सब कुछ उड़ता चला जाएगा सब कुछ चलता चला जाएगा एक स्पीड पे चलेगा क्योंकि देर इज़ नो फोर्स विच इज़ बाइंडिंग यू और अगर मान लो कि विष्णु जी है सिर्फ और ब्रह्मा जी नहीं है तो मैंने बताया आपको कि ग्रेविटी ग्रेविटी होगी पर कुछ हो गई नहीं हाँ तो कुछ हिलेगा नहीं कुछ चलेगा नहीं तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस किसने किया हुआ है आप देखो कि हम लोग जंप लेते हैं तो एक हद तक ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं तो इसको बैलेंस करता है महेश प्रोटोन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन cool. पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल तो जो वो बैलेंसिंग फोर्स है वो है हमारी महेश तो इस संसार में इस सृष्टि को लॉज ऑफ़ कर्मा द यूनिवर्सल लॉ जो भी मैंने अभी आपको पूरा समझाया वो सारे बैलेंसिंग फोर्स इन्हीं तीन फोर्स के ऊपर काम करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल और कुछ भी अच्छा कुछ भी बुरा नहीं है बनाने वाला एक ही है एक ही रचयिता है उसी के हम लोग पार्ट है ठीक है और सबसे बड़ी बात उस क्रिएटर उस जिसने भी इस सृष्टि को बनाया उसके बिना कुछ नहीं होता इस धरती पे इस यूनिवर्स में जो भी काम हो रहा है जो भी पोल्यूशन हो रहा है या जो भी हो रहा होगा उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो रहा ठीक है हो सकता है कि हम लोग इवोल्व करें धीरे धीरे चीज़ें हमारे हिसाब से हम लोग कई बार वो आ, आ, उस तरीके से कर रहे हैं जो उसकी मर्जी के खिलाफ है पर अगर हमें उसके साथ सिंक में रहना उस क्रिएटर के मैं भगवान की बात नहीं कर रहा क्रिएटर की बात उस क्रिएटर की बात करो जिसने इस हिस्ट्री को बनाया और ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं और बहुत सारे यूनिवर्सिज हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग फ्रिक्वेंसी तो में कंटेंट क्रिएटर्स ये हाँ कंटेंट क्रिएटर काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स बोल रहा तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी में लोग घूम रहे हैं और हर फ्रिक्वेंसी वेव की तरह ही काम करती है जो मैं आपको योगा साइकिल में बता रहा था इस सब कुछ इंटरलिंक्ड है तो इस किताब में मैंने यही समझाने की कोशिश की है पूरा का पूरा इसमें मुझे आप एक चीज़ बताओ मतलब मेरा एक सोच है कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चीज़ पॉसिबल होनी चाहिए कभी फ्यूचर में आ, नारद मुनि हमारे हैं वो हमेशा वीणा बजाते थे और नारद नारायण बोल के दूसरी यूनिवर्स में पहुंच जाते थे कहते तीन लोगों में ट्रैवल कर सकते थे वो और उसकी वजह स्पिरिचुअल कहानी तो ये है कि उनको ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे रखा था कि वो तीन लोगों में वो ट्रैवल कर सकते हैं और वो बोलते हमेशा नारद नारायण ही थे और वीना बजाते थे तो मेरी थ्योरी ये कहती है कि यार उससे कोई पर्टिकुलर साउंड वेव निकलती थी और जो बोलते थे नारायण नारायण वो दोनों साउंड वेव्स कुछ मैच करती थी जिससे कि उनके लिए ब्लैक होल का वॉर्म होल का दरवाज़ा खुल जाता था एंड यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन यूनिवर्स टू डिफरेंट यूनिवर्स बिल्कुल तो भी अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है फ्यूचर में क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो डोरीमोन का डोर टाइप खुल जाए और दूसरी जगह पहुँच जाए देखो अभी थ्योरीज तो यही आती है ना आप ब्लैक होल से निकलोगे तो एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच सकते हो मल्टीवर्स की कहानी जो भी है साइंटिफिक भी है जो है और की थ्योरी हमारे इसमें भी लिखा हुआ है स्पिरिचुअल टेक्स्ट में सब में लिखा हुआ है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है मैंने आपको बताया कि पूरी जो सृष्टि है सत्युगा द्वापर युगा त्रेता युगा जो भी है कल युगा देन ना वेव फॉर्म में वेव फॉर्म में।, में चल रही है और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंक्रीज़ कर रही है जैसे अभी मेटावर्स आया तो मेटावर्स की थ्योरी होगी ना नारद जी की कि आपके सामने एकदम प्रकट हो जाते थे वर्चुअल रियलिटी में है ना आजकल भी आते हैं ना गूगल मीट पर तो हम लोग हो ही जाते हैं सामने प्रकट और अगर मान लो कि ऐसे ऐसे प्रकट होने के आप इस तरह से ए को इतना स्ट्रॉग बना दो कि मल्टीपल थिंकिंग और मल्टीपल यूनिवर्सिस में आप ट्रैवल कर सकते हो और मल्टीवर्स की थ्योरी ये भी तो हो सकती है कि जैसे आप एक वीआर हेडसेट लगाते हो वर्चुअल रियलिटी में एक इन्वायरमेंट में हो किसी और ने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया तो आपको इस यूनिवर्स इस वर्चुअल इन्वायरमेंट से दूसरे वर्चुअल इन्वायरमेंट में जाना है तो वो मल्टीवर्स की थ्योरी हो सकती है वही नारद जी की थ्योरी हो सकती है और जब आप इस वर्चुअल हेडसेट से निकलते हो तो आप कहीं ना कहीं उसमें ट्रैवल करते हो दूसरे वाले मल्टीवर्स में तो दैट कुड बी अ ब्लैक होल

अभी आपको नहीं समझ शायद हो सकता है चार पांच लोग आपको ऐसी थ्योरी आज से दस साल बाद पचास साल बाद बताएँगे तो शायद आपको लगेगा कि हाँ शायद मैं ये, मैंने ये अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था हाउ क्वांटम कंप्यूटर्स अगर आप क्वांटम कंप्यूटर्स की पूरी संरचना या उनका पूरा स्ट्रक्चर देखो ब्रह्मा विष्णु महेश तो जिस दिन आप क्वांटम फिजिक्स को पूरा पढ़ लोगे आज के मैं क्वांटम ही पढ़ रहा हूँ वैसे hmm. तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब मैंने मैं उसमें एक चीज बड़ा अच्छा देखा उसमें जो क्वांटम कंप्यूटर्स में अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटोन होते हैं वो देज इन अवमेंट स्टेज तो उसके एक सर्कल के लिए एक मूवमेंट के लिए फिफ्टी हाँ, जीबी का डेटा चाहिए, हाँ, चाहिए और टाइम मूवमेंट में होते हैं बट दे डोंट लाइक एनी इंटरप्शन हल्का सा इंटरप्शन होता है एंड दे विल स्टॉप तो यही तो हमारा सृष्टि है मतलब ब्रह्मांड में एवरीथिंग इज़ जो भगवान है वो सब कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं बट तो आप उसको देख नहीं सकते आपने भगवान को देखा है यू फिनिश हाँ मतलब जो वो टेक्नोलॉजी है उस क्रिएटर की टेक्नोलॉजी है जो सुपर इंटेलिजेंट बींग है इट्स फार लाइक वी कान इवन इट करंट इन करंट सिचुएशन धीरे धीरे हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे वेव फॉर्म बढ़ रही है धीरे धीरे ऊपर जाएंगे हम लोग द्वापर त्रेता देन सत्युगा एक पीक पॉइंट पे हम लोग सब कुछ समझ पाएंगे देन सतयुगा से फिर वापस हम लोग त्रेता द्वापर जैसे ही कल में एंटर करेंगे फिर सारी ये टेक्नोलॉजी फिर भी हो जाएगी अच्छा मैं एक और चीज़ पूछता हूँ मजेदार चीज़ <laughs> मतलब यही मेरी थ्योरी है आपकी बहुत पर थ्योरी इतनी सारी है, तो थ्योरी निकल रही है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश नारद जी ये जितने तो भी भगवान हैं मुझे कभी कभी ऐसा लगता है और आप देखो उसके बाद ना टेक्नोलॉजी बहुत हाईफाई थी पुष्पों के मान भी था और सब बहुत हाईफाई टेक्नोलॉजी थी मुझे कभी लगता है कि ये सब ना बहुत बड़े बड़े इंटरप्रनर रह होंगे आपके जैसे जो यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी चलाते होंगे ए की सॉफ्टवेयर की और सोशल मीडिया की बड़ी कंपनीज और उस टाइम पर सब कुछ स्टैब्लिश करने के बाद जब वो कहते हैं ना संध्या योग आता है सब सब योग खत्म होता है तो संध्या योग आता है तो उसके बाद योग आया तो लोगों ने उनको भगवान समझ लिया कि भाई ये भगवान थे पर एक्चुअली वो इंटरप्रज थे अब आप एआई की कंपनी बना रहे हो कल को जब दुनिया ख़त्म होकर वापस आएगी तो अजय जो है वो है। <laughs> अगर मैंने एक ऐसा वर्चुअल इन्वायरमेंट बना दिया वियर हेडसेट में अगर आप मेटावर्स को समझते हो जिसके अंदर मैंने कॉन्शियसनेस डाल दी उसको इतना अवेयर कर दिया कि वो अपने आप मूवमेंट कर सके कॉल ऑफ ड्यूटी में अपने आप खेल के उसको खेलने वाला ना वो खुद से खेल सके लोग अपने आप खेल सके आपस में वो अपने आप चलती रहे उस क्रिएट उस अवतार के लिए जो कॉल ऑफ ड्यूटी में खुद से खेल सर मैं किताब लिख दूँ जिसको आगे जाकर वेदा बोला जाए वेदा बोला जाए <laughs> या फिर ऐसा हो कि उस जो अवतार को वो खुद से खेल रहा है सब कुछ खुद से गोली चला रहा है खुद से जो भी उसने काम करना है उसमें वो अवतार भी अवेयर हो गए अपने आप से जहाँ पे कोई खेलने वाला नहीं है क्रिएटर ने उसके लिए भगवान कौन है इस टाइम उस क्रिएटर उस अवतार के लिए मैं मैं हूँ ना उसके लिए तो मैं क्रिएटर हूँ ऐसा मैंने एक इन्वायरमेंट बना दिया अब दूसरी बात ये हो गई कि मैं उसको इस तरह से प्रोग्राम कर रहा हूँ कि उसके अंदर जो अवतार घूम रहे हैं एक अवतार को मैं ऐसा कर देता हूँ कि तू कुछ थ्योरी लिख जो मैं ऊपर से सिग्नल्स भेज रहा हूँ कि समझने की कोशिश कर कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है मैं भगवान तो तेरे लिए हो सकता हूँ पर औरों के लिए नहीं होगी मेरे जैसे और भी स्पीसीज है।, है ना मैं तो मैं किसी और की पूजा कर रहा हूँ सिग्नल पे एक और चीज थ्योरी आई मेरे दिमाग में मतलब ये मैंने अपने एक वीडियो बनाया था इस पर जैसे कि हम क्या करते हैं हमें मान लो मल्टीपल डिवाइस हमारे कनेक्टेड हैं हमारा सबका एक यूनिक आई एड्रेस है सब सारे डिवाइस का यूनिक आई एड्रेस है हमें कोई भी कम्युनिकेशन करना है मोबाइल डिवाइस को ले लेते हैं सबके यूनिक मोबाइल नंबर है मोबाइल इम डिफरेंट है और हमें मान लो एक एस भेजना है तो हम सब पे भेज सकते हैं उसके हिसाब से कहीं कभी मेरे लगता है कि हम जितने ह्यूमन बींग्स हैं हम सबका डी अलग है राइट right. हर किसी का डी एन ए अलग है सबके फिंगरप्रिंट मीन वी ऑल आर कनेक्टेड टू सम मेन डिवाइस जहाँ सारा कंट्रोलिंग चल रहा है एक मेन right. स्विचिंग सेंटर है कि भाई इसका स्विच ऑफ करना है इसका ऑन करना है इसको ये करना है आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं सुना आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में सुना है नहीं नहीं आकाशिक एक ऊपर रिकॉर्ड्स बनते हैं सारी चीज के जो भी आप कर रहे हो तो उनके लिए तो ये डेटा बहुत छोटा है कि आपके क्या कर दो एक, एक चीज़ की एक एक पल की खबर वहाँ पे आपके जाती है और ये जो डीएनए आपका जो भी फिंगरप्रिंट्स है ये मैं बता रहा हूँ आपको हम लोग प्रोग्राम है किसी ने हमें प्रोग्राम सिमुलेशन तभी मैंने कहा था कि सिमुलेशन पे हम बाद में आएंगे तो अभी मेरी किताब के बारे में ना यही आ रहा है कि कि इट्स अ फिलोसॉफिकल बुक आप बैठ के चाय ले लो हाथ में सिगरेट ले लो बैठ के पूरा टाइम सोचते रहो किताब पढ़ते मेरा चैनल तो शुरुआत ही इससे हुआ था बड़ा इंटरेस्ट आता ये है कि अलग अलग थ्योरी का जितना मैंने समझा मैंने उतना समझाने की इसमें कोशिश एक और फिलोसफी पूछूंगा लास्ट अभी आपको बेबी भी हुआ है अभी आप उस मोड में भी हो मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी कि अभी हम जिस अभी हम होमो होमोसेपियंस हैं ना आने वाली कुछ टाइम मे बी टेन से ट्वेंटी इयर्स के अंदर दे विल बी भी होमोनोव्यूज अब होमो नोव्यूस क्या है ये आपका इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आ रहा है कि लोगों को जब बच्चे पैदा करने होंगे तो दे विल गो एंड फिल अप ए फॉर्म कि इसकी आँखें नीली होनी चाहिए स्किन कलर ये होना चाहिए नाक कितनी होनी चाहिए आँख हाथ ऐसी होने चाहिए बॉय होना चाहिए इसमें क्वालिटीज़ कौन होगी इसको पेंटिंग आनी चाहिए या वो दिल फिल अप एवरीथिंग थिंग इंटू एट And DNA no so saying, no, आप जिस दिन डी एन ए को डी कोड कर लोगे अभी की कोशिश कर रहे हैं ना? पर उसने प्रोग्राम इतना ऐसा लिखा है जिस क्रिएटर ने कि आप उसको भी नहीं समझ सकते नहीं, in, मैं जो रिसर्ण 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 वो तो होगा ही यार धीरे धीरे ये तो एक पार्ट हुआ अभी आप मान लो डी एन ए डी कोड कर लेते हो आने वाले पचास साल में बीस साल में सौ साल में उसके बाद आप फिजिक्स के क्लो तो नहीं समझे ना अभी भी कि उसने क्रिएटर ने कैसे ये फिजिक्स के क्लोज चलते हैं हम लोग इतनी फ्रीक्वेंसी में काम कर रहे हैं इसके बाद की फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती होगी हो सकता है कि हमारे आसपास और भी सभ्यताएँ हों जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में काम कर रही हूँ तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे इवॉल्व होगी आप डी एन करोगे आप यू अंडरस्टैंड कि डी कैसे काम करता है तो आप जो चेंजेस करना चाहते हो जो भी नया जो भी नया जन्म ले रहा बच्चा उसको वैसे बना सकते हो तो दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली और इस तरह की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चेंज होंगी और मैंने आपको इनिशियली शुरू में ये बोला था कि ए जैसे इंक्रीज़ होगा तो जॉब्स का तो मुझे पता नहीं कि जॉब्स तो नई तरह की आएंगी वो आप भी नहीं डॉड कर सकते हो सकता है कि नई तरह की स्पीशीज निकल के आए दैट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल इंटेलिजेंस डिजाइन बाय दैट क्रिएटर एंड क्रिएटेड बाई दीज तो बहुत कुछ होने वाला तो uh, <laughs> so, मुझे ही लगता है कि uh, सोच सकते हो आप बहुत कुछ चीज़ें जितना आप ही ही सब कुछ हो सकता है तभी गॉड इज आप गोड़ी सोचते गोड़ी। रहो तो सोचते जाओगे मतलब गॉड इज गोडजम का रीजन ये था कि जिस आप क्रिएटर को गुड समझते हो मतलब जहां तक मैं श्योर हूं जहाँ तक मुझे समझाया कि वो क्रिएटर इज नॉट अ गॉड बट दैट गॉड जिसको भी आर आप ऐसी कोई शक्ति तो है ही देखो जिसने हमें इस सृष्टि को चला रहा है जिसने क्रिएटर को बनाया हमको बनाया तो ऐसी शक्ति तो है ही पर उसको इंटरप्रेट करना मुश्किल है उसको आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते उस भगवान तभी वो गॉड है और आप उससे कनेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि आ, वो बहुत दूर है हमसे पर उसने जो इस जो क्रिएटर है इस सृष्टि का इस यूनिवर्स का आप उससे कनेक्ट कर सकते हो तो उस क्रिएटर ने जो लॉज बनाए आपको सिर्फ उन्हें फॉलो करना है एंड यू नीड टू बैलेंस बिटवीन योर गुड एंड बैड कर्मज इट्स नॉट जस्ट द गुड कर्मज और बैड कर्माज यू जस्ट नीड टू गो इन बिटवीन द लाइन लाइक दोनों साइड गुड और बैड के बीच में बैलेंस करो एंड यू बी थ्रू अच्छा ये तो हो गई हमारी बुक्स की बात है आपको मैंने देखा है बुक्स की कंपनी से स्टार्ट किया था फिर आपने इन्विंसिबल ओशन बना दी फिर अब इन्विंसिबल क्या मेटा डॉट क्या नाम है, है जो ए आई की कंपनी है दैट इज इज कॉल्ड मेटा डॉट उसका क्या Meta... मतलब द परपज ऑफ दैट कंपनी ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर और वॉट सो वी आर डिजाइनिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वन ऑफ द प्रोडक्ट इज एआर ऑगमेंटेड रियलिटी सास बेस्ड सोल्यूशन है जिसमें जैसे मान लो कि इस एरिया में आपको गाड़ी खड़ी करके देखनी है तो आप सिर्फ कैमरा आजकल आता है ना व्यू इन ए उसमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी लगा के कि आप स्पेसिफ़िकेशन देख सकते हो कि इस जगह पर गाड़ी खड़ी होगी या नहीं ये सोफा यहाँ पे कैसा लगेगा देखने में आपको सिर्फ कैमरा में वहाँ पे दिखाना तो वो reality, reality है तो मिक्स रियालिटी हो मेटेड रियलिटी है सेकेंड प्रोडक्ट में जैसे आपको वॉइस क्लोनिंग के बारे में बताया था तो हम लोग नाइनटी तक एक्यूरेसी दे पाए इन वॉइस क्लोनिंग मतलब मैं आपकी वॉइस बिल्कुल इमिटेट कर सकता हूँ जैसे आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो बनानी है किसी का कर इंटरव्यू करना है तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको कुछ बोलना है आपको सिर्फ एक बार वॉइस क्लोन करना है आप उसमें टेक्स्ट फीड करोगे जो भी क्वेश्चन देना आपकी आवाज में आप कितनी भी वीडियोस बना सकते हो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ा टूल हो सकता है और हाउ यू एट द फ्यूचर ऑफ दिस फ्यूचर फ्यूचर ऑफ मतलब मैं बारे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ क्योंकि कई ऐसी ऑडियंस होगी हम लोग भी अब मैं आई वाला हूँ तो हमारा डिस्कशन होता रहता है कि भाई ए आ गया डेवलपर्स की जॉब चली जाएंगी अब तो नहीं नहीं कोई जॉब नहीं जाएगी हो सकता है कि वो जो बार बार सेम टास्क था ना जो करने वाला वो, वो तो अभी भी है आरपीए हाँ हाँ तो पर वो हट जाएगा और पर नई तरह की जॉब्स आएंगे जो मैंने आपको बताया अभी कुछ नहीं डिफाइन कर सकते नेक्स्ट ट्वेंटी इयर्स के लिए पर ये है कि जो भी बार बार जो आप एक कोड बार बार लिखते हो जो बार बार रिपीटेटिव टास्क, टास्क, टास्क आपके वो कम हो जाएंगे ए का सबसे बड़ा वही और बाकी तो हमारी जैसी कंपनीज हैं कि आप एआई को कैसे कंट्रोल कर रहे हो जैसे मैं आपको वॉइस क्लोनिंग का एग्जांपल ली के हम लोग वॉइस क्लोन ए पी आई बनाए ए पी बोल रहे हैं हम लोग ए की तरह आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो और टूल भी है प्रोडक्ट भी है तो ए आई बेस कंप्लाइंस भी हैं जैसे कि हमारे सॉफ्टवेयर में तो कम्पलाइंस बहुत सारे देखो तो अभी धीरे धीरे ए आई बेस कम्पलाइंस बन रहे हैं क्योंकि अभी कम्प्लेन नहीं कर पा रहे गवर्नमेंट्स भी किस तरह के कम्पलाइंस बनाए क्या लिमिट रखें ए की मशीन लर्निंग की और अगर उसको लिमिट कर देंगे तो ये हो सकता है कि जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में वो रुक जाएगा तो वो डिफ़ाइन कर पाना अभी बहुत मुश्किल हो रहा है सबके लिए पर यह है कि धीरे धीरे ओपन है सब कुछ काफी कुछ ओपन है जैसे अभी आपकी फेस स्वैप है ये फेस स्वैप कर देते थे अभी बीच में आया भी था उनके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने हैं वॉइस क्लोनिंग में जैसे मैंने बताया कि हमने भी कुछ आ, जैसे वेरिफिकेशन प्रोसेस लगा दिया बिफोर यूजिंग अ वॉइस क्लोनिंग तो इस तरह के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं जिसके पर अभी पूरा स्ट्रक्चर नहीं है ये सारी चीज़ें एंड द सेम इज़ द केस विद मेटावर्स एंड वर्चुअल रियलिटी जिसके ऊपर धीरे धीरे रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे हैं ओके okay. okay. आपको मैंने देखा है पिछले सात आठ साल में फ्रॉम स्टार्टिंग अप कंपनी फ्रॉम अ जॉब टिल नाउ हाउ यू डिफाइन योर सक्सेस सी सक्सेस आप देखोगे ना सब लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे आपको कोई बोलेगा सक्सेस इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस अदर वन लाइक कोई और बोलेगा आपको इट्स ऑल अबाउट द सेटिस्फेक्शन बट आई डिफाइन सक्सेस सक्सेस इज समथिंग सक्सेस इज विनिंग दोज साइलेंट बैटल्स विच नो वन नोज अबाउट डू यू अंडरस्टैंड दिस कीट बैटल्स इट कैन बी विद योर फ्रेंड्स योर फैमिली और दो साइलेंट बैटल्स जिसके बारे में किसी को नहीं पता वो अगर आप वो जीत रहे हो ना आप इंटरनली खुश खुश हो तो दैट इज़ कॉल्ड सक्सेस और वो एक चीज़ समझने में हमें पूरी ज़िंदगी लग जाती है हम लोग हम लोग ये सोचते हैं कि मैं खुश हूँ या मैंने बहुत पैसे कमा लिए या मैं एक जगह तक पहुँच गया सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं दैट इज़ सक्सेस नो इट्स नॉट सक्सेस और सक्सेस कभी भी ऐसे डिफाइन नहीं होती कि आप कहाँ तक पहुँच गए हो सक्सेस डिफाइन होती है आपने कहाँ से शुरू किया था आपने कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुँचे वो आपकी सक्सेस है हो सकता है कि हर एक के रिसोर्सेज बिल्कुल अलग होते हैं मेरे रिसोर्सेज अलग हैं आपके रिसोर्सेज अलग रहे होंगे एंड द वे आई स्टार्टेड वो अलग होगा मेरे पास उस टाइम कितनी कैपेबिलिटी होगी या मेरे को मे मुझे कितने लोग सपोर्ट करने वाले होंगे और आपके अलग होंगे तो आपने कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुँचे दैट डिफाइंस योर सक्सेस एंड एंड इट्स ऑल अबाउट विनिंग दोज साइलेंट बेटल्स विच नो वन नोज अबाउट मेरे से ना कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं मेरी वाइफ भी पूछती है कई बार कि मतलब संडे वहाँ चले जाते हो पॉडकास्ट करते हो बैठ यू फील इट नो मतलब आपको अच्छा लगता है मैं वही जा रहा हूँ मेरे लिए सक्सेस ना जो अंदर की खुशी है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है मतलब मैं मैं कितना भी डल फील कर रहा हूँ जब मैं स्टूडियो पहुँचता हूँ ना कैमरा लाइट right. जब अच्छे अच्छे लोगों से बात करता हूँ इंटरेक्शन करता हूँ तो उसकी ना फीलिंग ही लगाती है मतलब आई फील एनर्जेटिक मुझे रिफ्रेशमेंट मिल जाता है तो पूरे लोगों को तो ना ये समझने में टाइम लग जाता है कि मेरी सक्सेस का असली रीजन क्या है मतलब मुझे सक्सेस कब मिलेगी मतलब मैं सेटिसफाई कब हुआ या मेरी हैप्पीनेस किस चीज़ में तो आपको किस चीज़ में हैप्पीनेस मिली बुक्स में ज्यादा मिली कि ए में ज़्यादा मिली <laughs> या दोनों को मिला दूँ मैं मुझे ये लगता है कि जब मैंने बुक्स का काम शुरू किया था तो उस टाइम में जॉब छोड़ के आया था लंडन से जॉब छोड़ के आया था पर जब भी मैंने जब मैंने बुक्स का काम किया तो मैंने बहुत पैशनेटली किया बहुत मन से किया कि हाँ मैं चाहता हूँ कुछ करना चाह रहा हूँ क्या और वही मुझे लगता है कि वही हमारी पब्लिशिंग कंपनी को डिफाइन भी करती है तो, तो सागर में वही चीज है हाँ और आप ही देखो कि जब हमने शुरू किया था तब 19,000 पब्लिशर्स थे और कुछ पब्लिशर्स ऐसे भी थे जो 100 सौ साल 200 सौ दो साल से बैठे हैं और उसमें आप एक जगह बनाना स्पेस बनाना इतनी छोटी सी मार्केट है और आज पाँच साल बाद सब लोग हमें जानते हैं पब्लिशिंग कंपनी एज अ पब्लिशिंग कंपनी तो मुझे लगता है कि जब आप जो भी चीज़ करो तब आप मन से करो अभी मैं जैसे ए और मेटावर्स कर रहा हूँ तो बिल्कुल मैं मन से कर रहा हूँ मतलब मुझे अच्छा लग रहा है जो भी कर रहा हूँ hmm. और और अभी इतने साल बाद मैं ये समझता हूँ कि मैं खुद को समझने लगा हूँ कि मुझे क्या चीज़ खुशी देती है और क्या चीज़ दुख देती है या जो चीज़ मुझे सेटिस्फाई कर रही है और वही सक्सेस है एंड इट्स नॉट अबाउट कि अभी हम लोग कहाँ पहुँचें इट्स ऑल अबाउट कि हमने कहाँ से शुरू किया था और जो एक टारगेटेड माइंडसेट रहता है कि टारगेटेड ऑडियंस रहती है कि उस टारगेटेड ऑडियंस के लिए आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो जो आपको जज कर रहे हैं तो वो सक्सेस डिफाइन करते हैं तो उसी आ, लाइन में हम लोग काफी कुछ कर अब ये क्वेश्चन पूछना तो नहीं चाहिए जनरली मैं तो पूछ लेता तो, हूँ जनरली बिजनेस मैन रुकते नहीं एक जगह ये तो है तो, तो मतलब ना अच्छा ये हो गया अब अगला तो पब्लिशिंग हो गई ए हो गया अगला दिमाग चल जा होगा मैंने आपको तो बताया ना कि ये ह्यूमन माइंड uh, ये ऐसा बना है कि आपकी जो भूख है ना वो बढ़ती चली जाती है तो भूख नेक्स्ट स्टेप कौन सा है <laughs> तो जैसे uh, जब मैं जॉब छोड़ के आया था तो मुझे लगता था कि अगर महीने के तीन चार लाख भी मैं इंडिया में कमा लूँगा या दो तीन लाख भी निकाल लूँगा तो मेरे लिए काफ़ी रहेगा जब हम लोग वो करने लगे कि मैं अपने लिए दो तीन लाख निकालने लगा तो मुझे लगा कि चलो यार एक छोटा सा ऑफिस और अच्छा ऑफिस बना लेते हैं ऑफिस तब एक थोड़ा सा ऑफिस हो जाएगा तो हम लोग सेटिसफाई हो जाएंगे है ना पर फिर आपकी भूख शांत नहीं होती फिर आपको लगता है कि अभी यार 20 लोग हैं टीम में जिस दिन पचास लोग हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सेटिस्फेक्शन आ जाएगा फिर एक बड़ा और ऑफिस ले, ले लेंगे तो शायद सेटिस्फेक्शन आ जाएगा ये गाड़ी आ जाएगी चलो सेटिस्फेक्शन आएगा तो मुझे लगता है वो इंसान की जो इच्छा है ना वो कभी नहीं जाती और क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन इन इच्छाओं पर नहीं था एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कंपनी की नेक्स्ट इच्छा मतलब सॉफ्टवेयर की कंपनी हो गई बुक्स की कंपनी हो गई अब नेक्स्ट किस चीज़ की कंपनी खोलने वाले हो नहीं अभी तो मेरा माइंड ये है कि ए और मेटावर्स में हम लोग लग के काम करें कुछ आ, ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो सबको सपोर्ट करें चीज़ें आसान करें और जैसे बुक्स की बुक्स को बुक्स से थोड़ा सा बाहर निकलने का रीज़न ये था कि आ, मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है बुक्स का पर ये है कि लोग पढ़ रहे हैं फिर शौक़ के लिए पढ़ रहे हैं बट दैट कमर्शियल जिस जिस तरह से पाँच छः साल हमने मेहनत की इसमें बुक्स में अगर वही आज टेक में होती है तो आप हज़ार करोड़ की कंपनी बना सकते हो पर बुक्स में एक लिमिट है कि आप पचास या सौ करोड़ तक पहुंच सकते हो पर मुझे लगता है एआई और मेटावर्स जैसे फ्यूचर है तो उसमें हमारे टारगेट हैं अभी की यूनिकॉन कैसे बनेंगे तो इस तरह के टारगेट्स रखें बड़े टारगेट रखेंगे तभी कुछ ना कुछ धीरे धीरे स्टेप्स डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपकी जैसी इच्छा होती है ना कि आप जैसा सोचते हो कि मुझे ये करना है तो आपके रास्ते भी खुद बनने लग जाते हैं तो मैंने ये लगा जैसे ही शुरू करते हैं और जब सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए तो कुछ ना कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल लो या वो उस शक्ति की जो उसने जिस तरह से यूनिवर्स को डिफाइन किया उस तरह से आपके रास्ते भी खुद बनने लगे मेरा एक पर्सनल वो है ओपिनियन यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एटीट्यूड एंड अ वेरी ब्यूटीफुल अपब्रिंगिंग